पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम द्रोण पर्व नारायणास्त्र मोक्ष पर्व 199वां अध्याय अश्वत्थामा के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग, राजा युधिष्ठिर का खेद, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उपाय से सैनिकों की रक्षा, भीमसेन का वीरोचित उद्गार और उन पर अस्त्र का प्रबल आक्रमण। राजन, तब उन सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत हुआ देख पांडुनंदन भीमसेन ने उनमें हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, किसी भी वीर को किसी तरह भी अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। मैं अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा द्रोण पुत्र के अस्त्र का निवारण करूंगा। इस सुवर्णमय भारी गदा से रणभूमि में द्रोण पुत्र के अस्त्रों को चूर चूर करने के लिए मैं काल के समान प्रहार करूंगा। इस संसार में मेरे पराक्रम की समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के समान दूसरा कोई ज्योतिर्मय ग्रह नहीं है। गजराज के शुंडों के समान मोटी मेरी इन भुजाओं को देखो तो सही, ये हिमालय पर्वत को भी धराशायी करने में समर्थ है। यहां के मनुष्यों में एक मैं ही ऐसा हूं जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है। जैसे स्वर्गलोक और देवताओं में केवल इंद्र ही ऐसे हैं जिनका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी योद्धा नहीं है। आज युद्ध स्थल में मोटे कंधे वाली मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखो कि ये किस प्रकार अश्वत्थामा के प्रज्वलित एवं दीप्तिमान अस्त्र के निवारण में समर्थ होती है। यदि इस नारायण अस्त्र का सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा अब तक नहीं हुआ है तो आज मैं कौरवों और पांडवों के देखते देखते इसका सामना करूंगा। अर्जुन, अर्जुन विभत्सो, कहीं तुम भी न अपने गांडीव धनुष को नीचे डाल देना, नहीं तो तुम में भी चंद्रमा के समान कलंक लग जाएगा और वह तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मण, इनके समक्ष गांडीव धनुष को नीचे डाल दिया जाए, यही मेरा उत्तम व्रत है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा शत्रु दमन द्रोण पुत्र का सामना करने के लिए चल दिए। पांडुपुत्र भीम बड़े जोर से शंख बजाकर और भुजाओं द्वारा ताल ठोंक कर सारी पृथ्वी को कंपाते और आपकी सेना को भयभीत करते हुए चले। उनकी शंख ध्वनि तथा भुजाओं द्वारा ताल ठोकने का शब्द सुनकर आपके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने पलक मारते मारते अश्वत्थामा के पास पहुंचकर बड़ी फुर्ती से अपने बाणों का जाल सा बिछाते हुए उसे टक दिया। तब अश्वत्थामा ने धावा करने वाले भीमसेन से हंसकर बात की और उन पर नारायण अस्त्र से अभिमंत्रित प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की झड़ी लगा दी। रणभूमि में वे बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आग उगल रहे थे। कुंती कुमार भीम उनसे ढक गए, मानो उनके ऊपर स्वर्णमयी चिंगारियां पड़ रही हो। राजन, उस समय युद्ध स्थल में भीमसेन का रूप संध्या के समय जुगनुओं से भरे हुए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। महाराज, भीमसेन जब द्रोण पुत्र के उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे तब वह हवा का सहारा पाकर धधक उठने वाली आग के समान प्रचंड वेग से बढ़ने लगा। उस अस्त्र को बढ़ते देख भयंकर पराक्रमी भीमसेन को छोड़कर शेष सारी पांडव सेना पर महान भय छा गया। तब वे समस्त सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को धरती पर डालकर रथ, हाथी और घोड़े आदि सभी वाहनों से उतर गए। उनके हथियार डाल देने और वाहनों से उतर जाने पर उस अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन के माथे पर आ पड़ी। तब सभी प्राणी विशेषतः पांडव हाहाकार कर उठे। उन्होंने देखा भीमसेन उस अस्त्र के तेज से आच्छादित हो गए हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में पांडव सेना का अस्त्र त्याग विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ। 200वां अध्याय
श्री कृष्ण का भीमसेन को रथ से उतार कर नारायण अस्त्र को शांत करना, अश्वत्थामा का उसके पुनः प्रयोग में अपनी असमर्थता बताना तथा अश्वत्थामा द्वारा दृष्टद्युम्न की पराजय, सात्यकी का दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण और वृषसेन इन छह महारथियों को भगा देना, फिर अश्वत्थामा द्वारा मालव, पौरव और चेदी देश के युवराज का वध एवं भीम और अश्वत्थामा का घोर युद्ध तथा पांडव सेना का पलायन। संजय कहते हैं, राजन, भीमसेन को उस अस्त्र से घिरा हुआ देख अर्जुन ने उन्हें उसके तेज का निवारण करने के लिए वारुणास्त्र से ढक दिया। एक तो अर्जुन ने बड़ी फुर्ती की थी, दूसरे भीमसेन पर उस अस्त्र के तेज का आवरण था। इससे कोई भी यह देख न सका कि भीमसेन वारुणास्त्र से घिरे हुए हैं। घोड़े, सारथी और रथ सहित भीमसेन द्रोण पुत्र के उस अस्त्र से ढककर आग के भीतर रखी हुई आग के समान प्रतीत होते थे। वे ज्वालाओं से इतने घिर गए थे कि उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। राजन, जैसे रात्रि समाप्त होने के समय सारे ज्योतिर्मय ग्रह नक्षत्र अस्ताचल की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा के बाण भीमसेन के रथ पर गिरने लगे। माननीय नरेश, भीमसेन तथा उसके रथ, घोड़े और सारथी ये सभी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित हो आग की लपटों के भीतर आ गए थे। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को चारों ओर से ढक लिया था। जैसे सूर्य में अग्नि और अग्नि में सूर्य प्रविष्ट हुए हो, उसी प्रकार उस अस्त्र का तेज तेजस्वी भीमसेन पर छा गया था, इसलिए पांडुपुत्र भीमसेन किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। वह अस्त्र भीमसेन के रथ पर छा गया था। युद्ध स्थल में कोई प्रतिद्वंद्वी योद्धा न होने से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा प्रबल होता जा रहा था। पांडवों की सारी सेना हथियार डालकर अचेत हो गई थी और युधिष्ठिर आदि महारथी युद्ध से विमुख हो गए थे। यह सब देखकर महातेजस्वी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों वीर बड़ी उतावली के साथ रथ से कूदकर भीमसेन की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर वे दोनों अत्यंत बलवान वीर द्रोण पुत्र की अस्त्र शक्ति से प्रकट हुई उस आग में घुसकर माया द्वारा उसमें प्रविष्ट हो गए। उन दोनों ने अपने हथियार रख दिए थे, वारुणास्त्र का प्रयोग किया था तथा वे दोनों कृष्ण अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वह अस्त्र जनित अग्नि उन्हें जला न सकी। तदनंतर नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस नारायण अस्त्र की शांति के लिए भीमसेन को और उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को बलपूर्वक रथ से नीचे खींचा। खींचे जाते समय कुंती कुमार भीमसेन और भी जोर जोर से गर्जना करने लगे। इससे अश्वत्थामा का वह परम दुर्जय घोर अस्त्र और भी बढ़ने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पांडुनंदन कुंती कुमार, यह क्या बात है कि तुम मना करने पर भी युद्ध से निवृत्त नहीं हो रहे हो? यदि ये कौरव नंदन इस समय युद्ध से ही जीते जा सकते तो हम और ये भी नरश्रेष्ठ राजा लोग युद्ध ही करते। तुम्हारे सभी सैनिक रथ से उतर गए हैं। कुंती कुमार, अब तुम भी शीघ्र ही रथ से उतर कर युद्ध से अलग हो जाओ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने क्रोध से लाल आंखें करके सर्प के समान फुफकारते हुए भीमसेन को रथ से भूमि पर उतार लिया। जब ये रथ से उतर गए और उनसे अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर रखवा लिया गया, तब वह शत्रुओं को संताप देने वाला नारायणास्त्र स्वयं प्रशांत हो गया। संजय कहते हैं, राजन, उस विधि से उस दुस्सह तेज के शांत हो जाने पर सारी दिशाएं और विदिशाएं निर्मल हो गईं। शीतल सुखद वायु चलने लगी, पशु पक्षियों का आर्तनाद बंद हो गया तथा उस दुर्जय अस्त्र के शांत होने पर सारे वाहन भी सुखी हो गए। भारत, उस भयंकर तेज के दूर हो जाने पर बुद्धिमान भीमसेन रात बिताने पर उगे हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडवों की जो सेना मरने से बच गई थी वह उस अस्त्र के शांत हो जाने से पुनः आपके पुत्रों का विनाश करने के लिए हर्ष से खिल उठी। महाराज, उस अस्त्र के प्रतिहत
और पांडव सेना के सुव्यवस्थित हो जाने पर दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से इस प्रकार कहा, अश्वत्थामन तुम पुनः शीघ्र ही इसी शस्त्र का प्रयोग करो, क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने वाले ये पांचाल सैनिक पुनः युद्ध के लिए आकर डट गए हैं। मान्यवर, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने अत्यंत दीन भाव से उच्छ्वास लेकर राजा से इस प्रकार कहा, राजन न तो यह अस्त्र फिर लौटता है और न इसका दोबारा प्रयोग ही हो सकता है। यदि इसका पुनः प्रयोग किया जाए तो यह प्रयोग करने वाले को ही समाप्त कर देगा, इसमें संशय नहीं है। जनेश्वर, श्री कृष्ण ने इस अस्त्र के निवारण का उपाय बता दिया है और उसका प्रयोग किया है, अन्यथा आज युद्ध में संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही गया होता। पराजय हो या मृत्यु, इनमें मृत्यु ही श्रेष्ठ है, पराजय नहीं। ये सारे शत्रु हार गए थे, हथियार डालकर मुर्दे के समान हो गए थे। दुर्योधन बोला, आचार्य पुत्र तुम तो संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, यदि इस अस्त्र का दो बार प्रयोग नहीं हो सकता तो तुम दूसरे ही अस्त्रों द्वारा इन गुरुघातियों का वध करो। तुम में तथा अमित तेजस्वी भगवान शंकर में ही संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित हैं। यदि तुम मारना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय द्रोणाचार्य छल पूर्वक मारे गए और नारायणास्त्र भी प्रतिहत हो गया, तब दुर्योधन के वैसा कहने पर अश्वत्थामा ने फिर क्या किया? क्योंकि उसने देख लिया था कि नारायण अस्त्र से छूटे हुए पांडव संग्राम में युद्ध के लिए उपस्थित हैं और युद्ध के मुहाने पर विचर रहे हैं। संजय ने कहा, राजन अश्वत्थामा की ध्वजा पताका में सिंह की पूंछ का चिन्ह बना हुआ था। उसने पिता के मारे जाने की घटना का स्मरण करके कुपित हो भय छोड़कर धृष्टद्युम्न पर धावा किया। नरश्रेष्ठ, निकट जाकर पुरुष प्रवर अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पहले शुद्रक नाम वाले 20 बाण मारे, फिर अत्यंत वेग से 5 बाणों का प्रहार करके उन्हें घायल कर दिया। राजन, तदनंतर धृष्टद्युम्न ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी द्रोण पुत्र को 63 बाणों से बींद डाला, फिर शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 20 बाणों से उसके सारथी को और 4 तीखे सायकों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा को बींद बींद कर पृथ्वी को कंपाते हुए से गरज रहे थे, मानो उस महासमर में वे संपूर्ण जगत के प्राण ले रहे हों। राजन, बलवान अस्त्रवेत्ता तथा दृढ़ निश्चय वाले धृष्टद्युम्न ने मृत्यु को ही युद्ध से लौटने की अवधि निश्चित करके द्रोण पुत्र पर ही धावा किया। तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न रथियों में श्रेष्ठ पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने पिता के वध का बारंबार स्मरण करते हुए अश्वत्थामा ने भी सम्रांगण में कुपित हुए धृष्टद्युम्न को बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया और 10 बाणों से मारकर उसे गहरी चोट पहुंचाई। इसके सिवा अच्छी तरह छोड़े हुए 2 छुरों से पांचाल राजकुमार के ध्वज और धनुष को काटकर अश्वत्थामा ने दूसरे बाणों द्वारा उन्हें भलीभांति पीड़ित किया। इतना ही नहीं, द्रोण पुत्र ने उस महायुद्ध में धृष्टद्युम्न को घोड़े, सारथी तथा रथ से भी वंचित कर दिया। साथ ही कुपित हो उनके सारे सेवकों को भी बाणों से मार मार कर खदेड़ना शुरू किया। प्रजानाथ, तदनंतर पांचालों की सेना भ्रांत एवं आर्त होकर भाग चली। उसके सैनिक एक दूसरे को देखते नहीं थे। योद्धाओं को युद्ध से विमुख और धृष्टद्युम्न को बाणों से पीड़ित देख सात्यकी ने तुरंत अपना रथ अश्वत्थामा के रथ की ओर बढ़ाया। उन्होंने 8 पैने बाणों से अश्वत्थामा को चोट पहुंचाई। तत्पश्चात अमर्ष में भरे हुए सात्यकी ने भांति भांति के 20 बाणों द्वारा द्रोण पुत्र को पुनः घायल करके उसके सारथी को भी बींद डाला और पूर्ण रूप से सावधान हो एक सिद्ध हस्त योद्धा की भांति उन्होंने 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल करके ध्वज और धनुष को भी काट दिया। इसके बाद घोड़ों सहित उसके सुवर्ण भूषित रथ को छिन्न भिन्न कर डाला और सम्रांगण में 30 बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, इस प्रकार बाणों के
जाल से घिरकर पीड़ित हुए महाबली अश्वत्थामा को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। गुरुपुत्र की ऐसी अवस्था हो जाने पर आपके महारथी पुत्र दुर्योधन ने कृपाचार्य और कर्ण आदि के साथ आकर सात्यकी को बाणों से ढक दिया। दुर्योधन ने 20, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने 3, कृतवर्मा ने 10, कर्ण ने 50, दुशासन ने 100 तथा वृषसेन ने 7 पैने बाणों द्वारा शीघ्र ही सब ओर से सात्यकी को घायल कर दिया। राजन, तब सात्यकी ने भी उन सभी महारथियों को क्षण भर में रथहीन एवं युद्ध से विमुख कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उधर अश्वत्थामा को जब चेत हुआ तब वह दुख से आतुर हो बारंबार लंबी सांस खींचता हुआ कुछ देर तक चिंता में डूबा रहा। फिर दूसरे रथ पर आरूढ़ हो शत्रुतापन अश्वत्थामा ने कई सौ बाणों की वर्षा करके सात्यकी को आगे बढ़ने से रोक दिया। रणभूमि में द्रोण पुत्र को अपनी ओर आते देख महारथी सात्यकी ने उसे पुनः रथहीन एवं युद्ध से विमुख कर दिया। राजन, सात्यकी का यह पराक्रम देख पांडव बड़े जोर जोर से शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार उसे रथहीन करके सत्य पराक्रमी सात्यकी ने वृषसेन की सेना के 3,000 विशाल रथों को नष्ट कर दिया। तदनंतर कृपाचार्य की सेना के 15,000 हाथियों का वध कर डाला। इसी तरह शकुनी के 50,000 घोड़ों को भी उन्होंने मार गिराया। महाराज, तब पराक्रमी अश्वत्थामा रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी पर क्रोध करके उनका वध करने की इच्छा से आगे बढ़ा। शत्रुदमन नरेश, अश्वत्थामा को फिर आया देख सात्यकी ने अत्यंत क्रूर तीखे बाणों द्वारा उसे बारंबार विदीर्ण किया। जब युयुधान ने नाना प्रकार के चिन्हों वाले बाणों द्वारा महाधनुर्धर अश्वत्थामा को अत्यंत घायल कर दिया तब उसने अमर्ष में भरकर उनसे हंसते हुए कहा, शिनिपौत्र, मैं जानता हूं आचार्य घाती धृष्टद्युम्न के प्रति तुम्हारा विशेष सहयोग एवं पक्षपात है, परंतु मेरे चंगुल में फंसे हुए इस धृष्टद्युम्न को और अपने को भी तुम बचा नहीं सकोगे। शैने, मैं सत्य और तपस्या की सौगंध खाकर कहता हूं, संपूर्ण पांचालों का वध किए बिना मुझे कदापि शांति नहीं मिलेगी। पांडवों और वृष्णि वंशियों के पास जितना भी बल है वह सब यहीं लगा दो तो भी सोमकों का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने सात्यकी पर सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी तथा अत्यंत तीखा उत्तम बाण छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया हो। उसका चलाया हुआ वह बाण सात्यकी के शरीर को कवच सहित विदीर्ण करके पृथ्वी को चीरता हुआ उसके भीतर उसी प्रकार घुस गया जैसे फुफकारता हुआ सर्प बिल में समा जाता है। कवच छिन्न भिन्न हो जाने से शूरवीर सात्यकी अंकुशों की मार खाए हुए हाथी के समान व्यथित हो उठे। उनके घावों से अधिक रक्त बह रहा था। वे शिथिल एवं खून से लथपथ हो धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब सारथी तुरंत ही उन्हें द्रोण पुत्र के पास से दूसरे रथी के पास हटा ले गया। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले अश्वत्थामा ने सुंदर पंख एवं झुकी हुई गांठ वाले दूसरे बाण से धृष्टद्युम्न की दोनों भौहों के बीच में गहरा आघात किया। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पहले ही बहुत घायल हो चुका था, फिर पीछे भी अत्यंत पीड़ित हो वह रथ की बैठक में दम से बैठ गया और ध्वजा पर अपने शरीर को टेक दिया। राजन, जैसे सिंह हाथी को सताता है उसी प्रकार धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के बाणों से पीड़ित देखकर पांडव पक्ष से 5 शूरवीर महारथी वेग से वहां आ पहुंचे। उनके नाम इस प्रकार है, किरीटधारी अर्जुन, भीमसेन, पौरव, वृद्धक्षत्र, चेदिदेश के युवराज तथा मालव नरेश सुदर्शन। इन सब वीरों ने हाहाकार करते हुए हाथ में धनुष लेकर वीर अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया। उन सावधान रथियों ने 20वें पग पर अमर्षशील गुरुपुत्र को पा लिया और सब ओर से 5-5 बाणों द्वारा एक साथ ही उस पर चोट की। तब द्रोण कुमार ने विशाले सर्पों के समान 25 तीखे बाणों द्वारा एक साथ ही उनके 25 बाणों को काट डाला। इसके बाद
द्रोण पुत्र ने 7 तीखे बाणों से पौरव को पीड़ित कर दिया, फिर 3 बाणों से मालव नरेश को, 1 से अर्जुन को और 6 बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। राजन, तत्पश्चात उन सब महारथियों ने एक साथ और अलग अलग भी शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा द्रोण कुमार को घायल करना आरंभ किया। चेदी देश के युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 तथा अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों द्वारा द्रोण पुत्र को बींद डाला। तदनंतर द्रोण पुत्र ने 6 बाणों से अर्जुन को, 10 बाणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को, 5 से भीम को, 4 से चेदी देश के युवराज को तथा 2-2 बाणों द्वारा क्रमशः मालव नरेश तथा पौरव को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, भीमसेन के सारथी को 6 तथा उनके धनुष और ध्वज को 2 बाणों से बींद कर पुनः बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को घायल करके अश्वत्थामा ने घोर सिंहनाद किया। द्रोण कुमार उन पानीदार धार वाले तीखे बाणों को आगे और पीछे भी चला रहा था और उसके उन भयानक बाणों से पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, दिशाएं और विदिशाएं भी आच्छादित हो गई थी। उस युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी एवं प्रचंड तेजस्वी अश्वत्थामा ने अपने रथ के निकट आए हुए मालवराज सुदर्शन की इंद्रध्वज के तुल्य प्रकाशित होने वाली दोनों भुजाओं तथा मस्तक को 3 बाणों द्वारा एक साथ ही काट डाला। फिर उसने पौरव को रथ शक्ति से घायल करके अपने बाणों द्वारा उनके रथ के तिल के बराबर टुकड़े कर डाले और सुंदर चंदन चर्चित उनकी दोनों भुजाओं को काटकर एक भल्ल के द्वारा उनके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात शीघ्रता करने वाले अश्वत्थामा ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा नील कमल की माला के समान कांति वाले नवयुवक चेदी देशे युवराज को हठपूर्वक घायल करके उन्हें घोड़ों और सारथी सहित मौत के हवाले कर दिया। मालव नरेश सुदर्शन, पुरु देश के अधिपति वृद्धक्षत्र तथा चेदी देश के युवराज को अपनी आंखों के सामने द्रोण पुत्र के हाथ से मारा गया देख पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन को बड़ा भारी क्रोध हुआ। फिर तो शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए विषधर सर्पों के समान सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा सम्रांगण में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। तब महातेजस्वी अमरशील द्रोण कुमार ने उस बाण वर्षा को नष्ट करके भीमसेन को पैने बाणों से बींद डाला। यह देख महाबली महाबाहु भीमसेन ने युद्ध स्थल में एक शुप्र से अश्वत्थामा का धनुष काट कर पंखदार बाण से उसको भी घायल कर दिया। इसके बाद महामनस्वी द्रोण पुत्र ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा धनुष ले लिया और भीमसेन को अनेक बाण मारे। अश्वत्थामा और भीमसेन दोनों वीर महान बलवान एवं पराक्रमी थे। वे समर भूमि में वर्षा करने वाले 2 बादलों के समान परस्पर बाणों की बौछार करने लगे। जैसे मेघों की घटाएं सूर्य को ढक लेती है, उसी प्रकार भीमसेन के नाम से अंकित और सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुनहरी पांख वाले बाणों ने द्रोण पुत्र को आच्छादित कर दिया। इसी तरह अश्वत्थामा के छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाणों से भीमसेन भी तत्काल ठक गए। महाराज, संग्राम में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा के द्वारा समर भूमि में ढके जाने पर भी भीमसेन को तनिक भी व्यथा नहीं हुई, वह अद्भुत सी बात थी। तदनंतर महाबाहु भीमसेन ने सुवर्ण भूषित एवं यमदंड के समान भयंकर 10 तीखे नाराज अश्वत्थामा पर चलाए। माननीय नरेश, जैसे सर्प तुरंत ही बांबी में घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे बाण द्रोण पुत्र के गले की हंसली को छेद कर भीतर समा गए।
यथार्थ मोक्ष।